नमस्ते विद्यार्थिनी बहनों, आज आप धोरण सात हिंदी विषय में पाठ चार देश के नाम संदेश एना विषय अभ्यास करीशू। पत्र के माध्यम से हम दूर बसे संबंधियों, परिवारजनों तथा मित्रों को अपनी बात आसानी से पहुंचा सकते हैं एवं सरकारी दफ्तरों में अपनी शिकायतें और आवेदन पहुंचा सकते हैं। आजकल दूरभाष, मोबाइल, तार, ईमेल आदि से भी यह कार्य किया जाता है, फिर भी पत्र का अपना विशेष महत्व है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन डॉक्टर अबुल फकीर जैनलाबुद्दीन अब्दुल कलाम ने नई दिल्ली से 19 मई 2005 के दिन क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट है नाम से देश के नागरिकों को ईमेल किया था। इसमें देशवासियों के मन के देशाभिमान की भावना उत्पन्न हो ऐसी सीख भी है। पत्रनी शुरुआत करिए। सौप्रथम पत्र छे एनो एड्रेस आपणे वाचीए। मातृछाया ऊंची शेरी गाँव मेसपुरा तहसील भाभर जिला बनासकाठा दिनांक 24/12/2011। प्रिय मित्र हर्ष नमस्ते, मैं यहाँ सकुशल हूँ। आशा है कि वहाँ सभी सकुशल होंगे। तुम्हारा खत मिला पढ़कर खुशी हुई। मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा, वही तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहा हूँ। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अपने संदेश की शुरुआत करते हुए पूछते हैं, क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है? यदि हाँ तो इसे पढ़िए, वरना मर्जी आपकी। उसके बाद वह देश के लोगों की सोच बताते हुए कहते हैं, आप कहते हैं हमारी सरकार निकम्मी है, आप कहते हैं हमारा कानून पुराना पड़ गया है, आप कहते हैं नगर पालिका कचरा नहीं उठाती, आप कहते हैं फोन काम नहीं करता, रेलवे मजाक बन गई है, एयरलाइन दुनिया में हमारी ही सबसे खराब है, चिट्ठियां अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती, आप कहते हैं कहते रहते हैं और कहते ही रहते हैं, आपने इस बारे में क्या किया? फिर राष्ट्रपति ने कहा, मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, उसे अपना नाम दीजिए, उसे अपना शक्ल भी दे दीजिए, आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं, सिंगापुर में आप अपनी सिगरेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंकते और स्टोर में खाना भी नहीं खाते, आपको उनके भूमिगत संपर्कों का रस्क महसूस होता है, आप शाम 5 से 8 बजे के बीच आर्चर्ड रोड पर कार चलाने का टोल टैक्स तकरीबन 60 रुपये भुगतान करते हैं, अगर पार्किंग में अपने निर्धारित समय से ज्यादा गाड़ी खड़ी की तो टिकट पंच कराते हैं, लेकिन आप सिंगापुर में कहते कुछ नहीं करते हैं क्या? दुबई में आप रमजान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस नहीं करते, जेहाद में बिना सिर ढके बाहर नहीं निकलते, वॉशिंगटन में आप 55 मील प्रति घंटे से ऊपर गाड़ी चलाने की हिमायत नहीं करते और पलटकर सिपाही से यह भी नहीं कहते कि जानता है मैं कौन हूँ, मैं फला हूँ और फला मेरा बाप है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर आप खारी नारियल हवा में नहीं उछालते, टोक्यो में आप सड़कों पर पान की पीक क्यों नहीं थूकते, बोस्टन में आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र नहीं खरीदते। डॉक्टर कलाम बीच में याद दिलाते हैं, मैं आपके बारे में ही बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपके।
डॉक्टर कलाम कहते हैं, आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर और पालन करते हैं, लेकिन अपनी व्यवस्था का नहीं। भारतीय धरती पर कदम रखते ही आप सिगरेट का टुकड़ा जहां तहां फेंकते हैं, कागज के पुर्जे उछालते हैं। यदि आप पूरे पराये देश में प्रशंसनीय नागरिक हो सकते हैं, तो यहां भारत में आप ऐसा क्यों नहीं बन सकते? डॉक्टर कलाम ने मुंबई के पूर्व महानगरपालिका आयुक्त तिनाई कर के हवाले से कहा, अमीर लोग अपने कुत्ते को सड़कों पर घुमाने निकलते हैं और जहां तहां गंदगी बिखेर कर आ जाते हैं, और फिर वही लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन पर दोष मढ़ते हैं। क्या वे उम्मीद रखते हैं कि जब वे बाहर निकलेंगे तो एक अधिकारी झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे चलेंगे, और जब उसके कुत्ते को हाजत लगेगी तो वह एक कटोरा उसके पीछे लगाएगा? એટલે કે ડૉક્ટર કલામ, આ પત્રના માધ્યમથી આપણા બધાની વિચારસરણી કેવી છે કે આપણા દેશમાં આપણે ગમે તે કરી શકીએ, જ્યારે બીજા દેશમાં આપણે સારા અને પ્રશંસનીય નાગરિક બની અને ત્યાંના કાયદા કાનૂન સ્વચ્છતા બધાનું પાલન કરીએ છીએ, જ્યારે આપણે આપણા દેશમાં આવી અને આપણા જ દેશની કોઈ પણ નિયમો સૂચનોનું અમલ કરતા નથી? રાષ્ટ્રપતિને મિસાલ દી કે અમેરિકા ઓર જાપાન મે કુત્તે કે માલિક કો ઉનકી છૂટી હુઈ ગંદકી સાફ કરની પડતી હૈ। ફિર શાસન વ્યવસ્થા કે બારે મે ડોક્ટર કલામ ને કહા હૈ કે હમ સરકાર ચુનને કે લિયે વોટ ડાલને જાતે હૈ ઓર અપની સારી જિમ્મેદારિયા પે વહા ઉલટ આતે હૈ। हम आराम से घर बैठकर सोचते हैं कि अब हमारे नाज नखरे सरकार उठाएगी। हम सोचते हैं कि हमारा हर काम सरकार करेगी, और हम फर्श पर पड़ा हुआ रद्दी कागज उठाकर उसको कूड़ेदान में डालने के भी जहमत नहीं तक उठाएगा। रेलवे हमारे लिए साफ सुथरे बाथरूम देगी और हम उन्हें ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं सीखेंगे। डॉक्टर कलाम ने कहा कि समाज की ज्वलंत समस्याओं का भी हमारा ऐसा ही रवैया है। हम ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ गले फाड़ते हैं और अपने घर में उनका उल्टा करते हैं, और बहाना देखिए पूरी व्यवस्था ही खराब है। अगर मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूँगा तो उससे कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाएगा? राष्ट्रपति ने उस संदेश में पूछा, इस व्यवस्था को बदलेगा कौन? यह व्यवस्था है किसकी? आप आसानी से कह देंगे व्यवस्था में शामिल है हमारे पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य शहर, अन्य समुदाय और सरकार, लेकिन मैं और आप कतई नहीं। जब कुछ अच्छा करने की हमारी बारी आती है तो हम अपने परिवार को सुरक्षा कवच में घेर लेते हैं, दूसरे देशों की ओर निहारते हैं और इंतजार करते हैं कि कोई मास्टर क्लीन आएगा, अपनी जादुई हाथों से चमत्कार करेगा, और ऐसा नहीं होता तो हम आप देश छोड़कर ही चल देंगे। उन्होंने कहा, हम अपने भय से भागकर अमेरिका जाएंगे, उनका गौरव का गुणगान करेंगे, व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे, और जब न्यूयॉर्क असुरक्षित हो जाएगा तो आप इंग्लैंड भाग जाएंगे। इंग्लैंड में बेरोजगारी होगी तो गाड़ी चले जाएंगे। जब खाड़ी में युद्ध छिड़े जाएगा तो आप मांग करेंगे कि भारत सरकार हमें बचाकर घर ले जाए। हर कोई देश को गाली देने को तैयार है, पर व्यवस्था में सकारात्मक योगदान के बारे में नहीं सोचता। क्या हमने अपनी आत्मा को पैसे के हाथ गिरवी रख दिया है?
डॉक्टर कलाम व्यवस्था में नागरिकों के सकारात्मक योगदान के लिए देशवासियों को जग जोर देते हैं। श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत करने की अपील करते हुए संदेश में कहा गया है कि अगर आप वाकई संदेश से सहमत हो तो इसे अपने 10 और साथियों को ईमेल से भेजिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, तुम्हारा मित्र किरण। यहाँ पत्र पूरो थाय छे। हवे पाठ ने लगता शब्दार्थ जुए। वाकही एटले के हकीकत में, रस्क एटले के इच्छा, रवैया एटले परिपाटी, तकरीबन एटले के लगभग, पुर्जे एटले टुकड़े, मिसाल एटले उदाहरण, हिमाकत एटले बेवकूफी अथवा मूर्खता, ने जगजोरना एटले के झंझोरना। हवे आपणे आ पाठने लगता पासा सज्जता जोईए, पढ़िए और समझिए। एक म्यान में दो तलवार नहीं समा सकती, एक वस्तु के दो समान अधिकारी नहीं हो सकते। यदि दो महत्वाकांक्षी लीडर एक पार्टी में रहेंगे तो सदा टकराव की स्थिति रहेगी, क्योंकि एक म्यान में दो तलवार नहीं समा सकती। बीजी कहेवत छे, खोदा पहाड़ निकला चूहा, अधिक मेहनत लाभ कम। एटले के ज़्यादा मुनाफे के लिए उसने बड़ी होटल बनाई थी, पर पूरे साल में उसको नाम मात्र का भी मुनाफा नहीं हुआ। इसी को कहते हैं खोदा पहाड़ निकला चूहा। त्यार पछीनू त्रीजी छे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, लेके शक्तिशाली की ही चीत होती है। सेठ जी ने अपने निर्दोष नौकर पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे 2 साल के लिए जेल भिजवा दिया। किसी ने ठीक ही कहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। वहीं अन्य कहेवत आपेली छे, એ આપણે સ્વાધ્યાય અને અભ્યાસ ભેગી લખીશું। નમસ્તે।